सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? काफी बढ़े हैं तो गाइस आगे बढ़े ना। तो गाइस कि आप भी एयरटेल सिम यूज करती हो, लेकिन आपका अभी एयरटेल पर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे कि आप एक नोकिया छोटा सा फोन चलाते हो, आपको वहां पर ना डाटा चाहिए ना इधर उधर कोई भी। जैसे कि आपको सिर्फ वैलिडिटी और गाइस जो भी इनकमिंग कॉल है तो गाइस उसको खोलना है। तो गाइस उसके लिए आपको कौन सा रिचार्ज करना चाहिए? अभी जैसे काफी बड़े बड़े प्लान आ चुके हैं, तो गाइस उनमें से आपको कौन सा प्लान जैसे कि रिचार्ज करना चाहिए अच्छा होगा, इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस एक 99 था, एक 130 था, एक वन जैसे कि 110 रुपीज कुछ टाइप का था। तो गाइस उसमें आपका इनकमिंग कॉल जो हो जैसे कि ऑन हो जाता था और गाइस वहां पर आप आराम से बात कर सकते थे। लेकिन अभी आपका वो बंद हो चुका है, वो प्लान बंद कर दिया एयरटेल ने। तो गाइस वो कौन सा प्लान को रिचार्ज करना है इस वीडियो बताऊंगा। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखते रहना। तो गाइस एयरटेल के काफी सारे प्लान है, तो गाइस उनमें से आपको कौन सा रिचार्ज करना है? जैसे कि एक प्लान है जैसे कि 1.5 GB पर डे देता है आपको जीबी डाटा, और गाइस आपको 100 SMS या 300 SMS हो सकता है। तो गाइस आपको वही कोई भी डाटा MB का जैसे काम नहीं होता है एंड्रॉइड छोटा फोन में। तो गाइस आप जैसे कि सिर्फ कॉल के लिए कौन सा रिचार्ज करना है तो अभी बताऊंगा। तो चलो अभी फोन की स्क्रीन पर बढ़ते हैं, और गाइस हां चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यहां पर जैसे कि मैंने फोन पे को ओपन किया है, तो गाइस आप जैसे गूगल पे या किसी से भी यहाँ पर रिचार्ज कर सकती हो। यहाँ पर मैं मोबाइल रिचार्ज के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर मैं एक एयरटेल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, यह रहा मेरा एयरटेल नंबर। तो गाइस यहाँ पर एयरटेल का लोगो लगा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जैसे काफी सारा प्लान मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो 111, 109, 131, 128, 99। तो गाइस ये प्लान थे आपका अनलिमिटेड कॉल, और गाइस यहाँ पर आपको कोई भी डाटा इधर उधर का बात नहीं था। लेकिन ये इतना प्लान अभी बंद हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बोल रहा है जैसे कि 111 ये भी जैसे बंद हो चुका है, 109, 131, 128, 99, ये जितने भी प्लान थे। तो गाइस ये सिर्फ नो डाटा, सिर्फ यहाँ पर कॉल होता था, और गाइस इधर उधर आप मैसेज कर सकते थे। तो गाइस अभी आपको कौन सा रिचार्ज करना है? तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आ जाना है, जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहला जो भी है, तो गाइस यहाँ पर आ जाना है। तो गाइस यहाँ पर आपको मिल जाएगा 155। तो गाइस ये 155 जो भी रिचार्ज है, तो गाइस यहाँ पर आप देख, टॉक टाइम 0, और गाइस डाटा 1 GB पर पैक, यहाँ पर आपको फुल पैक पर 1 GB मिलने वाला है। और गाइस वैलिडिटी 28 डे का मिलेगा, और गाइस डाटा 1 GB, SMS 300, और गाइस वैलिडिटी 28 डे का। तो गाइस आपको यही रिचार्ज करना पड़ेगा अभी, क्योंकि गाइस और रिचार्ज तो नहीं है, और रिचार्ज है लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े प्राइस, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 455 का है। तो गाइस आपको यहाँ पर 6 GB मिलेगा, सिर्फ 6 GB मिलेगा, और गाइस 84 डे यहाँ पर वैलिडिटी रहने वाला है। तो गाइस आप लोग सस्ता बोलते हो, तो गाइस यही है 155 का सस्ता है, जैसे कि आपका रिचार्ज है आपका जो भी नोकिया फोन के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए तो 155 रुपया रिचार्ज करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर आपको 300 मैसेज मिल जाएगा, और गाइस आपको वहाँ पर 1 GB डाटा मिल जाएगा। तो गाइस आप चला भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो, अपने ऊपर है। और गाइस वैलिडिटी 28 डे का मिल जाएगा, और गाइस कॉल अनलिमिटेड, आप जैसे कि अनलिमिटेड बात कर सकते हो, वहाँ पर कोई भी आपका पैसा नहीं काटेगा। तो गाइस आपको यही 155 वाला रिचार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो गाइस आपका रिचार्ज नहीं होगा। तो गाइस अभी एयरटेल लोग लूट रहे हैं आप लोग को, तो गाइस आप लोग को यही रिचार्ज करना पड़ेगा।